तो आज बतौर ट्रेनर पहुंची अंजलि सिंह मैडम जो है वो हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी मैम। नमस्कार जी। तो आज अच्छा कार्यक्रम बता रहे थे, ग्रैंड पेरेंट्स से मैंने बातचीत करी, बहुत अच्छा मुझे लगा पेरेंट्स से बातचीत करके। पेरेंट्स भी थे, ग्रैंड पेरेंट्स भी थे। मेरा उद्देश्य आज का जो था वो ये था कि ये बच्चे जो हमारे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और हमारे परिवारों में पल रहे हैं जी, ये हमारे समाज का, हमारे भविष्य का एक बहुत अच्छा हिस्सा बने, इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा हो, ये जिम्मेदार बने। ये हम जो अब बड़े हो रहे हैं और जो बड़े हो जाएंगे, हम लोगों की सही देखभाल कर सकें, समाज का सही रूप दे सकें। इस समाज में जो भी हो रहा है ये हम सब एक दूसरे के लिए हैं, हम एक दूसरे की वजह से हैं और एक दूसरे की सपोर्ट हमें हमेशा चाहिए होगी। जीवन में कोई भी अकेला ना जी सकता है ना अपना जीवन यापन कर सकता है। ये भावना हमारे बच्चों में आए, हमारे बच्चे इस समाज को सही रूप दे सकें। हम बड़ों ने अभी तक जो गलतियां की हैं, हमने अपना पर्यावरण नहीं संभाला, हमने बहुत सारी कमियां की हैं, पानी, मिट्टी, हवा, इन सबको प्रदूषित किया है, इंसानी भावना को प्रदूषित किया है। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमारी इन कमियों को दूर करके एक बहुत पुख्ता और बहुत सुदृढ़ समाज हमें दे सकें जी। यही मेरा आपने बहुत सारे सवालों के जवाब जो है ना उस सेमिनार हॉल के अंदर दिए। मेरे भी कुछ सवाल हैं अपने आप में, छोटे छोटे, और मैं चाहूँगा कि कम शब्दों में आप उनका रिप्लाई करें। जैसे एक आजकल बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं खासतौर पर, वो हथियार बना लेते हैं अपना रोना, बस थोड़ा सा रोए और उसके बाद उनको वो चीज़ चाहिए। कैसे पेरेंट्स उस चीज़ को मैनेज करें, ना दें तब तक वो रोते रहते हैं। मेरे ख्याल से ये आदत हम पेरेंट्स ही बच्चों को डालते हैं। जब पहली बार बच्चा रो के कोई चीज़ मांगता है और हम बच्चे की ज़िद पूरी करते हैं जी। अगर पहली बार ही हम बच्चे को ये समझा दें कि बेटा बिना रोए मांगोगे तो मिल जाएगा, रोने पर ना मिलेगा, तो बच्चा शायद इस चीज़ को धीरे धीरे त्याग देगा। अब अगर जो बच्चों की पहले से ये आदत बन चुकी है उसके लिए क्या किया जाए, मेरे ख्याल से बच्चा रोता है तो थोड़ी देर उसको रो लेने दिया जाए। बच्चे को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि रोना मेरा हथियार है। उस वक्त में माता पिता सिर्फ और सिर्फ उसको 2-4 मिनट के लिए अकेला छोड़ दें तो बच्चा खुद ही शांत हो जाएगा। हाँ, शांत होने के बाद तब हम बच्चे की इच्छा पूरी कर सकते हैं और बच्चे को ये जतला सकते हैं कि बेटा बिना रोए मांगे हुए तुम्हारी बात हम सुन लेंगे और रो के मांगोगे तो नहीं पूरी होगी। अमूमन इस तरह के जैसे 4-5 साल तक के जो बच्चे हैं खासतौर पर, वो बच्चे कुछ खाने पीने का जैसे उनका प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता है और ज़्यादातर वो खाना नहीं खाते, अन्य चीज़ों पर फोकस कर देते हैं या ऐसे समय पर कुछ छोटा मोटा खा लेते हैं कि फिर जब सोने का टाइम होता है तो भूखे सो जाते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे पेरेंट्स? ये मुझे लगता है कि हमारे परिवार का जो रूटीन है वो अच्छा होना चाहिए परिवार का। ये सिर्फ बच्चे की एक अकेले का मसला नहीं है, मुझे लगता है जिन परिवारों में ऐसा हो रहा है वहाँ ज़रूर बड़े लोगों में भी इसका कुछ ना कुछ योगदान होगा। अगर हम सब बड़े लोग घर में कम से कम एक वक्त मिलजुल करके खाना खाएं, घर के सभी बड़े लोग जो भी रखा हुआ है खाने के लिए, जो भी भोजन तैयार हुआ है उसको खुशी खुशी खाएँ। दूसरी बात, ये जो चिप्स और कुरकुरे और पिज़्ज़ा समोसा इन चीज़ों की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये बच्चे इतनी ज़्यादा देखते हैं और हैरानी की बात ये है कि चारों तरफ दूसरे बच्चे इतना खाते हुए नज़र आते हैं तो ये बच्चे खुद को नहीं रोक पाते। तो इसलिए परिवार में बड़े लोग जो हैं वो एक रूटीन बना सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब खाना खाएँ सब लोग एक साथ खाएँ। दूसरी बात, इस तरह का भोजन खाने का भी एक रूटीन बनाया जा सकता है कि भाई ठीक है सप्ताह में एक बार हम बाहर का खाएंगे, इस तरह का कुछ खाएंगे, चटपटा खाएंगे, तो और घर में जो खा रहे हैं उसको भी हम रुचि के साथ बनाएं और रुचि के साथ बात करें कि आज हमने तुम्हारी पसंद की सब्ज़ी बनाई है, पापा की पसंद की दाल बनाई है, भाई की पसंद का रायता बनाया है। तो हम हर भोजन की नॉर्मल सामग्री को, साधारण सामग्री को किसी ना किसी की रुचि के साथ जोड़ के उसके बारे में बात कर सकते हैं। और जो जंक फूड जो आपने कहा, वो जंक फूड के बारे में भी हम एक शेड्यूल बना सकते हैं और तब हम उतनी ही रुचि और उतनी ही खुशी के साथ बच्चों को पूछ सकते हैं कि बताओ आज क्या खाना है जी। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं लेकिन एक सवाल मेरा और रहेगा, हालांकि मैंने जब यहाँ पर बात की तो कुछ ग्रैंड पेरेंट्स और जो पेरेंट्स थे वो इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि 3 साल का 4 साल का 5 साल का आजकल जो बच्चा है, बड़े तो कर ही सकते हैं लेकिन इतने साल के बच्चे भी है ना, फ़ोन का इस्तेमाल आजकल यूज़, मतलब मॉर्निंग से ही
शाम को भी, दोपहर भी, हर वक्त करना चाहते हैं? माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ भी बड़े लोगों को ही जिम्मेदार मानती हूँ, ये बच्चों का कसूर नहीं है। हम लोगों को ऐसे ही देखा है बच्चों ने, तो पहली बात। दूसरी बात, जब बच्चा रोता है तो हम उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, कार्टून, गाना, तो हमने ही ये हथियार उनके हाथ में दिया। घर में कोई ना हो तो मम्मा काम कर रही है तो बस बच्चा नजदीक आ रहा है, लो जी फोन से। इस उम्र के बच्चों के लिए फोन जहर है जी, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। किसी भी रूप में और किसी भी स्थिति में नहीं देना चाहिए। अब मान लीजिए देते हैं, मतलब ऐसा रूटीन है उसका, तो उसको कैसे छुड़वाए जा सकते हैं? खुद संभालना पड़ेगा, खुद संभालना पड़ेगा। चलिए एक एक तो एक मुझे मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि हम घर में कोई एक स्थान बना लें जहाँ करके मोबाइल फोन रखा जाए, और जब भी बड़े या छोटे जिसको भी मोबाइल की ज़रूरत है वहीं से उठाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, फ़ोन को वहीं वापस रखेंगे। तो मुझे मौसी को फ़ोन करना है, लाओ बेटा फ़ोन देना, बात हो गई, लो बेटा फ़ोन वापस जगह पर रखो। तो बच्चों से ही करवाया जाए और घर में ये रूटीन बना लिया जाए कि फ़ोन एक जगह पर रहेगा, हर वक्त फ़ोन लेकर के हम बड़े भी नज़र नहीं आने चाहिए। जी, बी आर स्कूल के इस प्रांगण में हम मौजूद हैं, यहाँ एक अच्छा मतलब ये कार्यक्रम रहा। इसमें आपने एक बात बोली थी वहाँ पर कि जो है ना, हम घर पर जाएं, बच्चों से संबंधित ये बात है, अपने आप में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड हैं, तो उसमें आपने बताया था कि होमवर्क जो है वो पढ़ाई नहीं है, उसके बाद का जो अध्ययन है वही पढ़ाई है अपने आप में। जी सर, थोड़ा जी जी जी, होमवर्क जो है ना, जो क्लास में हुआ उसी का रेपिटिशन है। पढ़ाई लिखाई जो है वो आँखों से, कानों से, हाथों से, उंगलियों से, ये अलग अलग रास्तों से दिमाग पर पहुंचती है। तो होमवर्क करना जो है वो सिर्फ उंगलियों से उसको दिमाग तक पहुंचाना है। वो तो बच्चा देख करके भी लिख सकता है, और ज़्यादातर बच्चे देखकर ही लिखते हैं, किताब से या दूसरी कॉपी से। जब मैंने कहा अध्ययन, पढ़ना, वो है किसी भी एक कॉन्सेप्ट को, किसी भी एक तथ्य को समझने की प्रक्रिया जी। तो पढ़ाई लिखाई जो है वो समझने की चीज़ है, कहीं से देख करके नकल करके लिखने की काम पढ़ाई नहीं है, जिसको कि आमतौर पे होमवर्क के रूप में किया जाता है जी। तो मेरा मतलब है कि जो भी कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको बच्चे समझ पाएँ। बहुत ही छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि मैं, मान लीजिए पहली क्लास में हम आमतौर पर ये कहते हैं कि मेरा बच्चा 1000 तक गिनती गिन सकता है, लिख सकता है, तो मैं कहती हूँ कि चलो बाग में चलते हैं, 1000 फूल गिन के दिखाओ। बच्चे नहीं गिन पाएंगे। तो मेरा मानना क्या है कि जो बच्चा लिख रहा है और जो बच्चा बोल रहा है उसको समझ होनी चाहिए उस चीज़ की कि क्या है। तो अगर मेरा बच्चा 50 तक गिन सकता है तो 50 ही मैं मानूंगी कि इसको 50 तक गिनती आती है। सही बात जी। तो वैसे तो बहुत सारे सवाल रहते ही हैं, आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी आपके पास तो ज्ञान का भंडार है अनुभव, आपके पास काफ़ी कुछ। यहाँ आए स्कूल में इस कार्यक्रम में क्या अनुभव रहा, कैसा लगा? मुझे मैं इसी स्कूल की, फतेहाबाद में दूसरी ब्रांच है, दादरी में दूसरी ब्रांच है, वहाँ पर भी मैं गई थी। जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है वो है इस स्कूल का मैनेजमेंट जी, और इस मैनेजमेंट का विज़न। वो विज़न क्या है कि बहुत बहुत मुझे लगता है कि ऐसा काम कर रहे हैं ये, जो समाज में, जिस एरिया में, ज्योग्राफिकल रीजन में जहाँ विद्या साधारण रूप से नहीं मिलती है, वहाँ पहली बात ये बहुत अच्छी विद्या देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जब मैं संपूर्ण और सर्वांगीण विकास की बात करती हूँ तो उसमें पढ़ाई लिखाई एकमात्र चीज़ नहीं है जो किसी का विकास कर सकती है। तो सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सब जो मैनेजमेंट है यहाँ की, और विशेष रूप से हरीश सर और राममोहन सर, इनका है, ये सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे रहे हैं जी। तो ये हर महीने जो है वो किसी ना किसी सामाजिक कार्यक्रम का प्रायोजन करते हैं, हर बच्चों को हर रूप से खेलकूद में सम्मिलित करते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और हम सब कुछ एक साथ लेकर के चलेंगे तभी हम अच्छे समाज का विकास कर पाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आज हम पहुंचे थे बीआर आदर्श जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स का जो है ना एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम था, जिसमें मंच के ऊपर काफ़ी कुछ बच्चों ने प्रस्तुतियाँ भी दी। उसके पश्चात जो हैं बाहर से, दिल्ली से जो ट्रेनर आई अंजलि सिंह जी, इन्होंने काफ़ी कुछ बातें जो है ना पेरेंट्स के साथ करी, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी करी, और
काफ़ी अच्छा ये इंटरेक्शन रहा। मैं खुद यहाँ पर 2 घंटे इस सेमिनार के अंदर बैठा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई होप सो कि इस वीडियो के माध्यम से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ सवाल जवाब हम भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए। हमारे साथ जो हैं बीआर स्कूल के जो चेयरमैन सर हैं और इनकी पूरी जो टीम है, जवाब देने के लिए तैयार है। आप कमेंट करिए, अपना कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। बाकी आपको कैसी लगी है कवरेज, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और ग्रैंड पेरेंट्स का ये जो कार्यक्रम हमने आपको दिखाया, ये कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।